हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज मैं एक पोएम द वॉइस ऑफ रेन एक्सप्लेन करूँगी, जिसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं और बहुत वेल नोन पोएट हैं। पोएम बहुत सिंपल है और बहुत आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सीधे सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया, कोई भारी भरकम शब्द आपको पूरी पोएम में कहीं भी दिखाई नहीं देगी। चलिए देखते हैं हम क्या क्या बातें पोएट जो हैं वो इस कविता में आपको बता रहे हैं। एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार, विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हर ट्रांसलेटेड। और यहाँ पर जब प्रश्न पूछा जाता है बारिश की बूंदों से, तो वो क्या जवाब देता है, बारिश की बूंदें क्या जवाब देती है, वो यहाँ पर कवि ने उनके शब्दों में, यानी बारिश की बूंदों के शब्दों में उन्होंने यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की है। यानी क्या किया, बारिश की बूंदों को उन्होंने एक जीवित रूप में, जैसे हम इसमें फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछेगा कि क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुआ है। पर्सोनिफिकेशन यानी कोई ऐसी वस्तु या चीज़ जो जीवित नहीं है, उसको एक इंसान के रूप में प्रेजेंट करना। तो यहाँ क्या है, बारिश की बूंदों को एक इंसान के रूप में प्रेजेंट किया है पोएट ने। चलिए देखते हैं पोएम में और क्या क्या बातें हैं, किस तरह से रेन जो है आपको अपनी बात बताती है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। जब राइटर ने उसे पूछा एंड हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो, तो उसने क्या जवाब दिया, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। सेट द वॉइस ऑफ द रेन, जो रेन की आवाज़ थी उसने राइटर को बताया, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि रेन ने पोइट को कहा कि मैं धरती की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी, मैं एक ऐसी जगह से, शाश्वत जो है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसी जगह से मैं धरती से ऊपर उठती हूँ। कई बार तो बॉटमलेस सी, आपने साइंस में भी पढ़ा है क्या होता है कि गर्मी का मौसम जब आता है तो गर्मी के कारण पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, तो क्या है, बॉटमलेस सी से भी ये निकलती है। अपवर्ड टू हेवन, और फिर क्या होता है, भाप जो होती है वैसे हमें दिखाई तो देती नहीं, लेकिन क्या है, वो धीरे धीरे करके गर्मी के कारण ऊपर उठती हैं हेवन की तरफ, स्वर्ग की तरफ। वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, हालांकि रूप बदल जाता है, और आपने देखा होगा कि बादलों की कोई खास बनावट नहीं होती, इसलिए कहा गया है वेगली फॉर्म, कोई सा खास रूप नहीं होता उनका, जैसे होता है जैसे मर्जी आते हैं वैसे बादल के टुकड़े बन जाते हैं, और हालांकि रहता वो सेम ही है, पानी की बूंद ही उसमें होती है, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। आई डिसेंड टू लीव द ड्राउट एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और फिर क्या होती है, आप जब, आपको पता ही है बादल जब भारी हो जाते हैं, पानी की बूंदें नीचे गिरने लगती हैं, तो क्या होती है, वो डिसेंड करती हैं और नीचे आती हैं, और उन सब जगहों पे जहाँ पे सूखा है या फिर जहाँ पर धूल बहुत है, उन सब जगहों पे धरती में हर जगह वो गिरती हैं। एंड ऑल दैट इज़ देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लैटेंट अनबॉर्न, और धरती के अंदर जो कुछ बीज पड़े हुए हैं वो क्या है, वो बारिश की बूंदों का ही इंतज़ार करते रहते हैं, कब बारिश होगी और कब उन्हें अंदर से नए रूप में जन्म लेने का मौका मिलेगा। एंड ऑल दैट इज देन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लैटेंट अनबॉर्न, सीड जो है वो अनबॉर्न रह जाएंगी अगर उन्हें पानी की बूंदें नहीं मिलेंगी। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और फिर उस जगह को जहाँ से उसका खुद का जन्म हुआ है,
जो बारिश की बूंदें हैं वो क्या है, धरती के पानी से ही भाप बनकर, बादल बनकर ऊपर जाती है और फिर वही पानी वापस अपनी जगह, अपनी ओरिजिन में आ जाती है। ओरिजिन वाली प्लेस है पानी की भी, वाटर की भी। तो कहती कि मैं दिन रात जो है वो क्या करती हूँ, जीवन देती हूँ उस जगह को जहाँ से मेरा खुद जन्म हुआ है, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, मैं उसे खूब सुंदर बना देती हूँ और साथ ही साथ शुद्ध बना देती हूँ। आपको पता ही नहीं पानी के धुलने से क्या होता है, सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं और वो खूबसूरत भी हो जाती हैं। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्राम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विथ जो लव रिटर्न। और इस तरह से क्या होता है कि ये कविता जो है वो, ये गाना जो है, गीत जो है वो क्या करता है, बर्थ प्लेस से स्टार्ट होता है, पानी के बर्थ प्लेस धरती से स्टार्ट होता है, बहुत सारी लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है और फिर इधर उधर घूमता है और उसके बाद वापस उसी जगह पे आ जाता है बड़े प्यार से जहाँ से उसका जन्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग दी हुई है, जैसे वॉश करती है धरती को बारिश जब होती है तो, इम्पैल्पेबल मतलब समथिंग दैट कैनॉट बी टच्ड, है ना, ऐसी चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते, भाव जो होता है वो क्या होता है, बनता है ना, बादल जिसको हम छू नहीं सकते, टाइनी पार्टिकल एटॉमीज को कहा जाता है, और लेटेंट यानी हिडन, छिपा हुआ। अब क्या है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें पर्सोनिफिकेशन यानी रेन को पर्सोनिफाई कर दिया गया, एक इंसान के रूप में उससे पोएट बातचीत करते हैं और उसके बारे में हमें बताते हैं। तो ये तो पोएम है जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं वॉल्ट व्हिटमैन, जो एक अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने लिखा है। प्रकृति के रूप में लिखने के लिए बहुत फेमस हैं वॉल्ट व्हिटमैन। आपको मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और एक चीज़ और जो मैं बताना चाह रही थी वो ये कि इसमें भी कोई राइम स्कीम बिल्कुल नहीं है, है ना। सारे वर्ड्स आप लास्ट वर्ड देखिए, लास्ट वर्ड में क्या है, शार देन ट्रांसलेटेड देन रेन सी, कोई आपस सेम ग्लोब अनबॉर्न, कोई आपस में राइम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें राइम स्कीम तो कोई भी बना नहीं सकते, है ना। और कोई मुझे तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा है जिसको हम एलिटरेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि बहुत कॉमन सा होता है एलिटरेशन, अक्सर पोएम में दिखाई देता है लेकिन इस पोएम में कहीं भी नहीं है। तो बस एक ही है फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ हुआ है इसमें, वो है पर्सोनिफिकेशन। तो आप इसको याद रखेंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब, दोबारा मैं याद दिला दे रही हूँ, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।